हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त आपको लेकर चलते हैं मनीष सिसोदिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। लगातार कि हम शिक्षा के नाम पे 5 साल मेहनत की और अगले 5 साल मेहनत करना चाहते हैं, हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होना चाहते हैं। तो टीचर्स रहेंगे, हेड ऑफ स्कूल्स भी रहेंगे बहुत सारे, लेकिन विशेष मेहमान जो 50 मैंने बताया, एक अलग से स्टेज पर मुख्यमंत्री जी के साथ स्टेज पर जो लोग रहेंगे, दिल्ली के निर्माता, तो दिल्ली के निर्माता पे विशेष रूप से अध्यापक बैठेंगे, हेड ऑफ द स्कूल्स बैठेंगे, स्कूल के पियोन को बिठाया जाएगा, स्कूल के जो पियोन हैं, जो स्कूल की साफ सफाई से लेकर स्कूल की व्यवस्था देखते हैं, छात्र जिनको जय भीम योजना का फायदा मिला और जो आगे जाके दिल्ली में बड़ा योगदान करेंगे अपनी पढ़ाई पूरी करके, वो भी उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उन छात्रों का रिप्रेजेंटेशन भी वहां होगा विशेष 50 मेहमानों में, करीब 50 मेहमानों में। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पहले कोई ओलंपियाड का नाम नहीं जानता था कि ओलंपियाड क्या होता है, लेकिन पिछले 5 साल में टीचर्स की मेहनत से, बच्चों की मेहनत से स्थितियां यहां तक पहुंची कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे ना सिर्फ ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने गए बल्कि मॉस्को में केमिस्ट्री और मैथ्स के ओलंपियाड में मेडल जीत के लाए और वहां तिरंगा फहरा के आए। तो सरकारी स्कूलों के बच्चे जो मॉस्को में ओलंपियाड जीत के आए, तिरंगा फहरा के आए, वो दिल्ली के बच्चों को, वहां दिल्ली के बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे वहां विशेष मेहमानों में। डॉक्टर्स होंगे मोहल्ला क्लिनिक के, जो वहां पूरे डॉक्टर्स को, मेडिकल फैटर्निटी को रिप्रेजेंट करेंगे। बाइक एम्बुलेंस जो चलाते हैं और बहुत लोगों की सेवा की है पिछले कुछ सालों में, जिन्होंने गली गलियों में जाके बाइक एम्बुलेंस का जो बाइक राइडर है, वो भी वहां पूरे सेगमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होगा। दिल्ली का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी की मदद करना चाहता है, कहीं मैंने देखा है, मैं आप सब भी देखते होंगे कि हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और कोई व्यक्ति अपनी बाइक से जाते हुए उसका स्टैंड भी खुला रहे बाइक का, तो रास्ते चलता आदमी उसको कह के जाता है अपना स्टैंड ठीक कर लो। ये कौन है? ये हर दिल्ली के अंदर बैठे हुए व्यक्ति के अंदर एक फरिश्ता है। उस फरिश्ते को और मजबूत करने के लिए पिछले टेन्योर में मुख्यमंत्री जी ने स्कीम लाई फरिश्ते योजना। उस योजना के तहत दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने समय रहते हुए हिम्मत करके मदद की और दिल्ली के कितने ही लोगों की जान बचाई। तो उस फीलिंग का, जो दिल्ली के हर व्यक्ति के अंदर एक फीलिंग है फरिश्ते की, उस फीलिंग का रिप्रेजेंटेटिव करते हुए एक व्यक्ति जिन्होंने मदद की फरिश्ते के रूप में, वो भी वहां उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फायर फाइटर्स फैमिली, सिपाहियों की फैमिली, पुलिस वालों की जिन्होंने बहादुरी करते हुए जान गंवाई, जिनको मुख्यमंत्री जी के योजना के तहत 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी उस दौरान दी गई, उनका रिप्रेजेंटेशन भी वहां रहेगा। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों का रिप्रेजेंटेशन भी वहां रहेगा, सफाई कर्मचारी भी स्टेज पर होंगे मुख्यमंत्री जी के साथ में। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से देखें तो बस मार्शल, जो सरकारी बसों में पहला प्रयोग किया गया इस तरह का कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए जाएं और उसके पॉजिटिव नतीजे भी निकले, कई बस मार्शल्स ने बहुत बहादुरी के साथ में इस तरह की वारदातों को होने से पहले ही रोक लिया। तो बस मार्शल्स का, उस युवा का जो महिलाओं की सुरक्षा रखना चाहता है और बस मार्शल के रूप में काम कर रहा है, वहां पर रिप्रेजेंटेशन होगा जिन्होंने बहादुरी दिखाई। बस ड्राइवर, मेट्रो ड्राइवर, मेट्रो बस के कंडक्टर, ऑटो के ड्राइवर, ये भी वहां पर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, अपने डिफरेंट सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मुख्यमंत्री जी के साथ करीब 50 लोगों के मेहमान की सूची में होंगे। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर से देखें तो सिग्नेचर ब्रिज बनाने वाले आर्किटेक्ट वहां पर एक मेहमान के रूप में होंगे। इंजीनियर्स जो पूरी दिल्ली में इतना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज में इतनी मेहनत कर करके आज केवल 5 साल के अंदर दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज की तस्वीर बदलने वाले इंजीनियर्स, वहां काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनको भी न्योता दिया गया है विशेष मेहमान के रूप में आने का। इसी तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो डोर टू डोर, डोर स्टेप डिलीवरी की सर्विस शुरू की गई और हजारों लाखों लोगों के घरों पर सरकार की सेवाएं पहुंचाई जिन लोगों ने, उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनके एग्जीक्यूटिव भी मेहमान के रूप में होंगे, दिल्ली के किसान भी वहां पर होंगे। तो इस तरह से ये सपना है एक सरकार का बनना, और इस सपने का, ये सपना केजरीवाल जी का या
मंत्रियों का नहीं है, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं है, बल्कि दिल्ली के हर आदमी का सपना है कि हमारी दिल्ली इस तरह की होनी चाहिए। उस दिल्ली के निर्माता, उन सपनों की दिल्ली के निर्माता अपने अपने क्षेत्र को, कार्य को रिप्रेजेंट करते हुए मेहमान के रूप में कल मुख्यमंत्री जी के साथ में रहेंगे और इन्हीं के साथ मिलकर 5 साल दिल्ली को आगे बढ़ाया है, इन्हीं के साथ मिलकर दिल्ली को अगले 5 साल भी आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 5 साल भी उसी तरह से बहुत सक्सेसफुल होंगे जैसे पिछले 5 साल रहे हैं। थैंक यू। कांग्रेस बीजेपी ने जाम लगाया है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, शिक्षकों को आदेश दे दिया। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? ट्वीट किया है मुकेश शर्मा ने, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। देखिए क्या है, ये लोग शिक्षकों की इज्जत करना नहीं जानते। आज देश का पहला ऐसा चुनाव हुआ है जहां शिक्षकों का काम पूरी जनता में तारीफ बन के उभरा है। आज अगर मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे हैं तो बहुत सारे शिक्षक, खुद मेरे पास इतने SMS हैं, WhatsApp हैं, बहुत सारे शिक्षक बहुत उत्साह के साथ आना चाहते हैं। उनको सुविधाएं देकर लेकर आना, मुझे लगता है शिक्षक, आम आदमी पार्टी शिक्षक का सम्मान करती है और जानती है, इसीलिए सम्मान इतने बड़े समारोह में उनको निमंत्रित किया गया है। लेकिन जिनको शिक्षक का सम्मान करना नहीं आता, अब आप लोग भी इतने बड़े टीवी चैनल, अखबार, पत्रकार हैं, क्यों ऐसी चीजों पे, ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान देते हैं? तो कल अरविंद केजरीवाल तीसरी बार शपथ लेंगे और उसी को लेकर जानकारी दे रहे थे मनीष सिसोदिया। समाज के अलग अलग वर्गों के लोग शामिल होंगे जो मंच पर भी मौजूद रहेंगे खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनके शपथ ग्रहण के दौरान। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।